बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल फिट फाट और मज़े में हूँ। आज मैं कर रही हूँ जी अपने किचन से डीप क्लीनिंग, तो मैंने सोचा था क्यों ना आप लोगों के साथ भी मैं ये वीडियो जो है वो शेयर करूँ। देखिए किचन जो है वो बहुत गंदा हुआ पड़ा है, बिकॉज़ आजकल आंधियों का मौसम है और इधर ही हम सफाई करते हैं और शाम को फिर आंधी आई होती है और फिर से वही हाल हो जाता है। ये मैंने विंडो जो है ये मैंने साफ़ कर ली है, इसको मैंने अच्छे से साफ़ किया है और अब बाथ क्लीन जो है वो अब हम कर लेते हैं। चलें शुरू करते हैं, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ये आप तो डस्ट नज़र आ रही हो, जो देखिए कितनी ज़्यादा डस्ट पड़ी हुई थी ऊपर हुड से। अब ये किचन क्लीनर डाल के इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी ताकि सारी ग्रीस वगैरह जो है वो रिमूव हो जाए और कैबिनेट हमारे जो हैं वो सारे अच्छे से चमक जाएं। जल्दी जल्दी से अपना यह काम जो है वो ख़त्म करते हैं, किचन नीट हो जाए फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ऊपर से हुड वगैरह जो है वो सारी अच्छे से क्लीन हो चुकी है। अब हम चूल्हा और नीचे से शेल्फ जो है वो अच्छे से साफ़ कर लेंगे और नीचे जो कैबिनेट है वो अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। ये देखिए जी सफाई जो है वो हो चुकी है, ओवन भी मेरा अच्छे से देखिए नीट एंड क्लीन हो चुका है। नीट एंड क्लीन होने के बाद ये देखिए जी ये है मेरे किचन की फाइनल लुक। ये ना लेने पात हैं, ये मैंने किचन में रखे हुए हैं। मेरा ये ईमान है कि इनके पाँव के सदके ही हमें जो मिलता है हम वो खाते हैं। ये है जी शाम का टाइम और फाइनली हमारा आज एसी जो है वो लगने लगा है। इंस्टॉलेशन वाला आदमी आ चुका है और वो एसी इंस्टॉल कर रहा है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आप तो दिखाऊंगी तो किस तरह वो एसी को इंस्टॉल कर रहा है। स्प्रिंटर इन्वर्टर 30 डोलन्स का हमने एसी लिया है। देखिए आदमी जो है वो एसी को लगा रहा है। हाफसाई पास खड़े हुए हैं और अल्लाह पाक से ज़ात का लाखों करोड़ों और हज़ारों मरतबा शुक्र है तो जिसने हमें अपनी प्यारी प्यारी नेमतों से नवाजा है। अल्लाह पाक हर एक को दे, आमीन सुमा आमीन। ये था जो मेरा छोटा सा विलोद, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। दोबारा फिर हाजिर होंगी नए विलोद के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।